ओमपुरी का फिल्मी किरदार हमेशा ही दर्शकों को लुभाता आया है। हर फिल्म में ओमपुरी अपने किरदार के साथ न्याय करते दिखे। ओमपुरी की शानदार फिल्मों में आक्रोश, अर्धसत, जाने भी दो यारों, घायल, आमारा पागल दीवाना और चुपकी चुपकी जैसी अनगिनत फिल्में हैं। ओमपुरी अपनी एक्टिंग के अलावा अपने डायलॉग डिलीवरी की अंदाज की वजह से भी याद किए जाएंगे। फिल्म आमारा पागल दीवाना में बोला गया उनका डायलॉग कि मरने से पहले मेरे बाल डाई कर देना, आई वॉन्ट टू डाई यंग, उनकी जिंदा दिली की याद दिलाता है। फिल्म नरसिम्हा में खलनायक के अवतार में नजर आए। फिल्म के डायलॉग मुझे कोई मार नहीं सकता, ना आगे से, ना पीछे से, ना दाएं से, ना बाएं से, ना आदमी, ना जानवर, ना अस्त्र, ना शस्त्र से ओमपुरी न सिर्फ खलनायकी में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे, बल्कि उन्होंने अदाकारी का ऐसा नजारा पेश किया कि हर कोई उनकी खलनायकी का दीवाना हो गया। वही फिल्म ओ माई गॉड में ओमपुरी एक बेहद सुलझे हुए व्यक्ति के किरदार में नजर आए। फिल्म में उनके डायलॉग मजहब इंसानों के लिए बनता है, मजहब के लिए इंसान नहीं बनते ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। इसके अलावा फिल्म आवारा पागल दीवाना में उनका डायलॉग मेरी तीन तीन बीवियां हैं, तीनों की तीनों विधवा हो जाएंगी, और जैसे ही मैंने उसकी कनपट्टी पर यह गनपट्टी रखी, उसका चेहरा बिना दूध की चाय जैसा पड़ गया, काफी सराहा गया। वहीं फिल्म जाने भी दो यारों में द्रौपदी तेरी अकेले की नहीं, हम सब शेयर होल्डर हैं, और ये मूछ तेरे बाप के खेत पर नहीं उगाई है, जैसे चुप चुप के फिल्म के इस डायलॉग को भारतीय सिनेमा में ओमपुरी ने अमर कर दिया है।